जो शिक्षित नहीं होता उनको समस्या भी समझ में नहीं आता, समाधान भी समझ में नहीं आता। इसीलिए सबसे पहले मैं आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतनी अच्छी मात्रा में इतने सुंदर ढंग से आप लोगों को तैयार करके विद्यालय भेज रहे, मंदिर जैसा एक स्थान पर आपको भेज रहे, ताकि आप लोग खूब अच्छी अच्छी बातें सीख कर आगे आने वाले जनरेशन को कुछ नई चीज दे सके, है ना। यदि अपनी माँ पिताजी अपने को स्कूल नहीं भेजते तो अपन पढ़ पाते क्या? नहीं। तो हर समय अपनी माता पिता का इतना इज्जत, इतना सम्मान, इतना गौरव बढ़ाओ कि वो लोग आप लोगों के लिए वाह बिटिया है तो क्या ऐसा अपने पेरेंट्स कहे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी विश्वास करके आपको विद्यालय भेज रहे हैं, उस विश्वास पे खड़े उतर रहे हैं आपके विद्यालय के परम आदरणीय सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और आपके आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, है कि नहीं बताओ। वो लोग अच्छे से आप लोगों का देखभाल कर रहे हैं इतना विश्वास के साथ, ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। बच्चे आप लोगों को पता है शहरों में जो विद्यालय होते हैं ना, कई बार लोगों को डर लगता है कि बच्चियां जाती है सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएंगी, इतने दूर दूर टैक्सी से जाना, मेट्रो से जाना, बसेस से जाना, बड़ी तकलीफें हैं शहरों में। लेकिन अपने लवकुश नगर में आप लोगों को जैसे प्रभु श्री राम जी के दोनों बच्चों को वाल्मीकि आश्रम में पूरा शिक्षा दीक्षा मिला था, लवकुश जी को मिला था ना, सीता मैया अकेली थी और वाल्मीकि जी महाराज जी और वहाँ के सब लोगों ने मिलकर खूब सिखाया, है ना। तो आप लोगों को भी इसी तरह की शिक्षा यहाँ मिल रही, बहुत ही प्यारे लग रहे हो, आप लोगों के चेहरों पे जो कॉन्फिडेंस है वो देख के मेरा मन बहुत खुशी से बहुत अच्छा लग रहा है, पहली चीज। दूसरा, आप लोग अभी एक ही समस्या की बात कर रहे थे, उसका समाधान मैं जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग सब महिला, मैं तो महिला हूँ ना, आप लोग तो बच्चियां हो, प्यारी बेटियां हो। अभी आप सोचो मेटल्स में लोहा होता है, सोना होता है, हीरा होता है, जवाहरात होता है, मोती होता है, मोंगा होता है कि नहीं होता। लेकिन आपको मैं यदि लोहे का एक टुकड़ा दे दूं और आपको मैं सोने का एक टुकड़ा दे दूं, क्या करोगे आप? कहाँ छुपाओगे, किसको छुपाओगे? क्यों, लोहे को नहीं? वो भी तो वो लोहा ही है ना, वो भी तो मेटल है, क्यों सोने को छुपाएंगे? सोने से आभूषण बनते हैं, लोहा से जरूर मकान बनता है, लेकिन लोहा स्ट्रांग है, सोना स्ट्रांग नहीं है। उसको स्ट्रांग करने के लिए कुछ कॉपर मिलाना पड़ता है, कभी उसमें लोग ब्रॉन्ज मिलाते हैं, है ना, अलग अलग मेटल, जब तक कि सोना से नहीं मिलता, सोने का आभूषण नहीं बनता। सोना बहुत सॉफ्ट है, सोना डेलिकेट है, सोने के अंदर एक चमक है, लोहे के अंदर मैं ये नहीं कह रही हूँ, यही लोहा जो है, समझ लो भैया लोग, है यही सोना, यही हीरा, यही जवाहरात हम सब लड़कियां महिलाएं हैं, क्योंकि कोई चोट आके सोने पे लग गया सोना खराब हो जाएगा, पर लोहे को चोट लगता है कुछ खराब नहीं होता, एक छोटी सी आग निकलती है बस, पर सोना भी नहीं खराब होता और सोने को भी दिक्कत नहीं है, और मारने वाले को उल्टा दिक्कत बहुत होता है क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही केले का पत्ता है और एक कांटा है, कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा सॉफ्ट है? और केले की पत्ता जाके कांटे के ऊपर गिर जाए या कांटा आके केले के पत्ते पे गिरे, किसका नुकसान होगा? अपने माता पिता कुछ दुर्भावनाओं से अपने परिवारों में या आपके समाज में जो लड़की लड़का का भेदभाव है, पहले अपने यहाँ आक्रमण बहुत होते थे बच्चे, मुगलों का आक्रमण, कितना आक्रमण आप लोग पढ़े हो ना, आक्रमणों में लड़कियां बड़ी सुंदर रहती थी, भारत की नारी, भारत की बच्चियां बड़ी प्यारी होती थी, तो आक्रमणकारी आते आक्रमण सीधा हमारे बच्चों के ऊपर करते थे, तो तब से पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गया, लड़कियों को छुपा के रखने का प्रारंभ हो गया, अंदर रखने का, संभालने का, और भाभी जा रही है तो भैया साथ में जाएंगे, अकेले नहीं भेजने का। मुझे तो ये सब अच्छा लगता है, मुझे कोई कहते तुम अकेले चले जाओ तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मेरे को कोई साथ चाहिए, इसको बुरा मत मानना,
लेकिन भेदभाव दो प्रकार का, जब हम महिला बन गए सक्षम, हमारे परिवार ने हमें बना दिया, यदि हमारे ससुराल वाले हमको काम करने के लिए मना करते, नौकरी करने के लिए मना करते, बाहर जाने के लिए, क्योंकि एक बार अपने को सक्षम होना पड़ेगा, लोहा जैसे मजबूत होना पड़ेगा, सोना बनकर रह लेंगे तो कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। बच्चे इन सब विषयों को अपने दिमाग में पॉजिटिव वे में सोचते जाइए, हम अच्छे हैं, हम कीमती हैं, हम बहुत फूल समान हैं, हम कोमल हैं, लेकिन अंदर से हमको मजबूत बनना है। इसीलिए शिक्षा दी जा रही है आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों को मिशन साहसी के अंतर्गत कराटे, जूडो सब सिखाया जा रहा है, डांस सिखाया जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज में आप लोगों को दौड़ सिखा रहे हैं, क्रॉस कंट्री सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। अभी बिना संक्रांति को सब लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, क्योंकि सूर्य से भी एनर्जी ले रहे हैं, धरती से भी एनर्जी ले रहे हैं। अच्छा खान पान खा के, दिल्ली की सब्जी खाओगे तो बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन लव कुश नगर की सब्जियों से बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि केमिकल्स कम है। तो आप लोगों को इन सब चीजों का, जैसे दुर्गा जी को हर प्रकार का शक्ति दिए थे ना, अपने को शक्तिवान बनना है बुराइयों से जूझने के लिए, ठीक है।